हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाला हूं जो मुझे लगता है कि आप सभी के लिए बहुत कमाल का होगा। तो दोस्तों, आज मेरे पास यहां पे जो प्रोडक्ट है वो बहुत कमाल का है, डिजिटेक का 300 वॉट पोर्टेबल AC-DC पावर स्टेशन। अब अगर मैं इस पावर स्टेशन की बात करूं, आपको लग रहा होगा अरे पावर स्टेशन क्या है। तो आइए सबसे पहले इसको मैं अनबॉक्स करता हूं और इसके बेनिफिट जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि यार ये चीज मेरे पास भी परमानेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि AC आउटपुट पोर्ट मॉडल है ये, और इसमें आप यूज कर सकते हैं जापान टाइप B 110 वॉट, यूनाइटेड स्टेट टाइप B 110 वॉट, साउथ अफ्रीका टाइप M 230 वॉट, चाइना मेनलैंड 230 वॉट, यूरोप टाइप F 230 वॉट। ठीक है, इस तरीके से ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाता है कि कितने कितने वॉट तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप प्री वेडिंग शूट में जाते हैं, आप वेडिंग शूट में जाते हैं और आपको वहाँ पे कंटिन्यूस लाइट या फिर कोई फ्लैश लाइट या फिर कोई स्ट्रोब लाइट आपको यूज करनी है जो 300 वॉट तक का है, तो उसको आप आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं। इसको सबसे पहले ओपन करते देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ सिंपली, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसका ये इस तरीके का पैकेज मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है इसका एक चार्जर। अगर मैं इस चार्जर की बात करूँ तो ये एक तरफ से USB टाइप है और इसको आप इजीली अपने AC कॉर्ड पे लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका चार्जर। एंड दोस्तों, ये मिलता है आपको बहुत ही सुंदर सा डिजिटेक का एक पावर स्टेशन। अगर इस पावर स्टेशन की बात करो तो दिखने में बड़ा ब्यूटीफुल है और ये लाइट वेट है बहुत ज्यादा। इसका जो वेट है वो आपको देखने को नहीं मिलता, सारा स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ दिख जाएगा, वार्निंग एंड कोटेशंस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे ये है इसका इनपुट और आउटपुट, यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये DC जो है यहाँ पे USB-A और USB-A DC आउटपुट है, आप इससे अपने मोबाइल्स वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं या कोई ऐसा अडॉप्टर जो कि USB टाइप से चार्ज होता हो। तो ये इसका DC मोड है, यहाँ पे इसका पावर है, पावर अगर आप ऑन करते हैं तो ये इसका पावर है। और यहाँ पे इसमें एक छोटा सा लाइट भी दिया है अगर आपको स्मॉल कहीं पर यूज करना है तो, ये देखिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है AC मोड। तो गाइज, मेरे पास आज यहाँ पे है डिजिटेक का DCL200W RGB, एक RGB लाइट है। मोस्टली जब आप शूट पे जाते हैं नॉर्मल लाइट तो आपको मिल जाती है, लेकिन RGB लाइट 200 वॉट की आपको नहीं मिलती है, इससे ज्यादा वॉट की भी मिलती है, लेकिन आपको ये इजीली DC लाइट पे नहीं मिलता। तो ये एक AC लाइट है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे मुझे यूज करना है इस केबल के थ्रू, यानी कि मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का पावर चाहिए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये पावर स्टेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पावर स्टेशन के साथ आप इसको कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं और मैं आपको इसका आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें इस तरीके से लगा दिया। एंड दोस्तों, यहाँ पे ये मैं क्या करता हूँ, पावर स्टेशन को यूज करता हूँ। एंड यहाँ पे इस कॉर्ड को मैं सिंपली यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। एंड ये लगाने के बाद अब अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये मेरा AC जो है ऑन हो गया, और आप देख सकते हैं कि ये लाइट भी यहाँ से ऑन हो गई है। यहाँ से लाइट के पावर को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइट के पावर को मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। एंड जो भी मुझे एडजस्टमेंट करना है आप देख सकते हैं कि मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो एक प्रॉपर लाइट जो है, जैसे मान लीजिए मुझे प्रॉपर लाइट चाहिए आउटडोर पे, तो मेरे लिए ये जो पावर स्टेशन है दोस्तों ये बहुत कमाल का है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं अपने कार में, अपने बाइक में, इवन अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तो भी आपको आप इसे इजिली ले जा सकते हैं। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं। आइए इसके साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे है निशा, जिनके साथ हम बहुत क्रिएटिव शॉट्स इस लाइट के साथ शूट करेंगे। आउटडोर पे बड़ा शानदार सा सनसेट हो रहा है और चेक करते हैं कि इस समय में किस तरीके से आप आउटडोर में लाइट को यूज कर सकते हैं इस पावर स्टेशन के साथ। आइए चेक करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस काफी है, ठीक है, और एनवायरमेंट में जो लाइट है एम्बियंस भी काफी अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं इस लाइट को ऑफ करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे जो फेस है उसमें एक डलनेस है। हालांकि आप आउटडोर में इस तरह के शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लाइट है तो डेफिनेटली आपको लाइट के साथ शूट करने में ज्यादा प्रॉपर रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे मैं इस लाइट पे यहाँ पे रहता हूँ तो फेस पे जो लाइट है वो बहुत अच्छे से आ जाती है, बहुत प्रॉपर तरीके से लाइट आ जाती है। एंड गाइस, इसके साथ आप सॉफ्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल कैमरे से कुछ फोटो और कुछ वीडियो शॉट्स आपको लेके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे ये पूरा सेटअप आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने लाइट दिया हुआ है और मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ वो है सोनी का A7C Mark II। जो लेंस मैं यूज कर रहा हूँ है जी मास्टर का लेंस। और अभी यहाँ पे अगर मैं ISO की बात करूँ दोस्तों, इस एनवायरनमेंट में आपको भी पता है कि कितना ISO जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो ISO है वो सिर्फ है यहाँ पे 160 का, 160 का ISO है। और आउटपुट आप देखें, इसमें सन लाइट और ये दोनों की दोनों प्रॉपर तरीके से मैं कवर कर सकता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि अगर आप डायरेक्ट लाइट दे रहे तो इतना लाइट आ रहा है। मैं इसमें एक बार शॉर्ट बॉक्स भी अटैच करता हूँ और देखते हैं कि उसके बाद इसका आउटपुट कैसा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटडोर लाइट में भी आप बड़े शॉर्ट बॉक्स के साथ कितना ब्यूटीफुल लाइट सेट कर सकते हैं यदि आपके पास एक अच्छा पावर स्टेशन है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ शॉट्स लेता हूँ। अब गाइज आप में से कोई भी आदमी ये नहीं बोलेगा एक बार कि देखे कि ये जो फोटो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो एक कंटिन्यूअस लाइट के साथ क्लिक कर रहा हूं और वो भी आउटडोर में। तो गाइस यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है, यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप रील्स वगैरह बनाते हैं तो आपके लिए भी ये जो पावर स्टेशन है वो काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आप बहुत क्रिएटिव जो रील्स है वो ले सकते हैं, वो भी लाइट के साथ। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिफरेंट रील्स का चैप्टर हम लेते हैं। एक रील्स में लेता हूँ अपोजिट में, यानी कि इसके साथ लेता हूँ आउटडोर पे। देखिएगा निशा, आप यहाँ पे आओ, नहीं थोड़ा क्लोज जाओ, बिल्कुल लाइट से सट जाओ, लाइट से सटना है आपको। हाँ, अब इधर फेस करना। यस हाँ, तो यहाँ पे ये एक शॉट में ले रहा हूँ, देखिएगा। तो इस तरीके से आप कुछ क्रिएटिव रील्स भी ले सकते हैं। एंड पहले पिक्चर लूंगा, तो गाइज मैंने अभी अपने कैमरे को वीडियो मोड में डाल दिया और कुछ क्लोज शॉट के रील्स लेते हैं। अगर आपके पास लाइट्स है तो लाइट्स के साथ आप एक ही लोकेशन पे काफी क्रिएटिव वीडियो एंड फोटो ले सकते हैं। ये मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से आप लेते हैं। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी कई एक्सपर्ट होंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका भाई एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत करता है।